नमः शिवाय। आज दिन में लगभग 11 बजे तक चित्रा नक्षत्र में चंद्रमा रहेंगे और उसके बाद स्वाति नक्षत्र में चले जाएंगे। स्वाति नक्षत्र के नक्षत्र स्वामी राहु हैं, ऐसे जातक तुला राशि में माने जाएंगे। ये हंसमुख, चतुर, लोकप्रिय, कुशल व्यापारी, अंतर्ज्ञानी, सामाजिक, भौतिकवादी और हर परिस्थितियों में अपने आप को ढालने की क्षमता रखने वाले होते हैं। यदि राहु और शुक्र की स्थिति अच्छी रही तो ऐसे जातक पूर्ण सफल होंगे। आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, मगर आज मन में दुविधा व भ्रम की स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है और बृहस्पति के साथ हैं। गजकेसरी योग होने के बावजूद मन में नकारात्मक भाव का उतार चढ़ाव बना रहेगा। आर्थिक और व्यावसायिक अनुकूलता रहेगी, ससुराल पक्ष से व्यस्तता बनी रहेगी। माँ के स्वास्थ्य में सुधार महसूस होगा। आपके सकारात्मक सोच और प्रयासों में कमी महसूस होगी। पहले के किए जा चुके कार्यों के प्रति पछतावा और मन में भ्रम की स्थिति बनी रहेगी, जबकि आपके प्रयास सकारात्मक पहलू के लिए होंगे। व्यावसायिक पक्ष में कुछ तनाव महसूस करेंगे। मित्रों से अनबन की स्थिति बन सकती है। संतान संबंधी शुभ समाचार मिलेगा। आर्थिक पक्ष आज मजबूत रहेगा। मित्रों से सहयोग, संतान संबंधी शुभ समाचार और दायित्व की पूर्ति आज होगी। व्यावसायिक भागीदारी लाभदायक सिद्ध होगी। आर्थिक उन्नति लगी रहेगी। अचानक धन लाभ का योग चल रहा है। मुकदमे या वाद विवाद संबंधित मामलों में अनुकूलता बनी रहेगी। ठंड या पेट संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। शत्रु पक्ष आज कमजोर रहेगा। खुशी का माहौल दिन भर बना रहेगा। पारिवारिक सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी। घरेलू वस्तुओं में निवेश की स्थिति बनी हुई है। व्यवसाय की योजनाओं को बल मिलेगा। शत्रु पक्ष कमजोर रहेगा। अधिकारी वर्ग या सरकारी विभाग अनुकूल रहेगा। पत्नी के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। विवाह या किसी समारोह में जाने का मौका मिलेगा। स्वास्थ्य संबंधी उतार चढ़ाव आज बना रहेगा। पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी। प्रयास सार्थक होंगे। विरोधियों की नज़र आपके ऊपर लगी रहेगी। व्यावसायिक उन्नति के योग चल रहे हैं। न्यायालय या वाद विवाद से संबंधित मामलों में अनुकूलता बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का समय अनुकूल है। आज माँ का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आर्थिक और व्यावसायिक पक्ष अनुकूल है। आपके प्रयास सार्थक होंगे। मित्रों व सरकारी विभाग से लाभ होगा। आपका सार्थक पहल व्यावसायिक उन्नति में सहायक होगा, मगर संतान संबंधी चिंता लगी रहेगी। जोड़ों के दर्द से परेशानी हो सकती है। मन में अधिक लालच का मोह न पैदा करें। चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है, बदनामी का डर रहेगा। व्यावसायिक पक्ष सामान्य है, आर्थिक पक्ष मजबूत है। व्यावसायिक योजनाओं को बल मिलेगा। सरकारी विभाग से अनुकूलता बनी हुई है। ईमानदारी की भावना मन में रखें, प्रचुर मात्रा में लाभ मिलेगा। माँ के स्वास्थ्य के प्रति चिंता बनी रहेगी। किसी प्रतिष्ठित या राजनीतिक व्यक्ति से भेंट संभव है। मन में सकारात्मक भाव का संचार होगा। आज आपके प्रयास सार्थक होंगे। मित्रों से सहयोग मिलेगा। पारिवारिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अपने आप में गौरवान्वित महसूस करेंगे। अच्छे कामों में खर्च बना हुआ है। निवेश की स्थिति बनी हुई है। रक्तचाप या नसों से संबंधित समस्याएं बढ़ सकती हैं। सावधान रहें। अधिकारी वर्ग या सरकारी विभाग से लाभ होगा।
पहले से चली आ रही छोटी मोटी परेशानियों को नज़रअंदाज ना करें। उचित चिकित्सकीय परामर्श आवश्यक है। आर्थिक और व्यावसायिक लाभ की स्थिति अनुकूल है। किसी बड़े निवेश के प्रति रुझान बढ़ेगा। संतान के प्रति संतोष की भावना बनी रहेगी। पत्नी के स्वास्थ्य में गड़बड़ी हो सकती है। आर्थिक, शारीरिक और व्यावसायिक अनुकूलता आज बनी रहेगी। महत्वपूर्ण निर्णय लेने में दुविधाजनक स्थिति ना पैदा होने दें। व्यावसायिक उत्थान का योग चल रहा है। पारिवारिक सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। संतान संबंधी शुभ समाचार मिलेगा। किसी बड़े निवेश का योग बना हुआ है, लाभ मिलेगा। पिछले कुछ दिनों से व्यावसायिक उत्थान का योग चल रहा है। भाग्यवश काम अच्छे होंगे, मगर सार्थक पहल के लिए अपने कदम आपको खुद ही बढ़ाने होंगे। आपकी सक्रियता में कमी आपके आर्थिक और व्यावसायिक पक्ष को प्रभावित कर सकती है। न्यायालय या कोर्ट संबंधी मामलों में अनुकूलता बनी हुई है। पिता से संबंधित सहयोग ले सकते हैं। प्रयास आपके सार्थक होंगे। स्वास्थ्य संबंधी अनुकूलता बनाए रखने के लिए कुछ योगा व कसरत आवश्यक है। मन में नकारात्मक विचार ना लाएं, आपकी सक्रियता प्रभावित होगी। पारिवारिक व संतान संबंधी चिंता लगी रहेगी। अपने आत्मविश्वास को बढ़ा कर रखें, भाग्य साथ देगा। आर्थिक व व्यावसायिक पक्ष आज सामान्य रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।